नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। 14 जुलाई दिन गुरुवार से सावन मास की शुरुआत हो गई है और सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई यानी कि आज है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे लोकप्रिय मास है। इस पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विश्व कुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हो गई है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने के लिए योग काफी खास माने गए हैं। सावन मास में शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करना विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई से हो गई है और समापन 12 अगस्त को होगी। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा। सावन मास की शिवरात्रि 26 जुलाई को है। सावन मास का पहला सोमवार 18 जुलाई को है और इस दिन रवि नामक योग पड़ रहा है। वेदों में बताया गया है कि रवि योग में किसी मंत्र की साधन अधिक फलदायी होती है। इस योग में मनोकामना सिद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव पुराण का पाठ करना लाभकारी रहता है। रवि योग में शिव परिवार की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं। इस दिन पंचमी तिथि होने की वजह से कुछ जगहों पर नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा, यानी इस दिन भगवान शिव के साथ उनके सेवक नाग की भी पूजा होगी। इस दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, काले तिल, धतूरा, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार सावन की सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्ट व परेशानी दूर होती है। सावन मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए तथा सभी दुखों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण का पाठ, रुद्राभिषेक आदि करने से कर्ज, रोग। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।